And it's all because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of all myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest the right. Hey guys, what's up? So my name is Preeti Yadav और आज मैं आपको लेके चलूँगी मुंबई की वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरी और थाने में सबसे बिगेस्ट है ये नर्सरी। तो मैं यहाँ से सबसे पहले बस लूँगी बोरेवली से, जो बस नंबर जाती है वहाँ से 65 और 131, दोनों एसी बस है और काफ़ी कन्वीनियंट है। उसके बाद वहाँ से हीरा नंदानी हमें जाना है, वैसे मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चले शुरू करते हैं। Nursery. So definitely you have so many varieties. So can you please guide me about the small plants and what kinds of plants do you have and what are the varieties? Absolutely, why not? So let's take a walk around. Sure. As you have written ki attractive flower, like आपने हर एक सेक्शन बना के रखा है, why so? See, because हमने ऐसा देखा कि यहाँ आजू बाजू में जितनी भी नर्सरीज हैं, they are not being managed or run in a very scientific manner. So we thought that it will be very helpful for the client if we divide the plants into categories. जो प्लांट्स उनको इंडोर रखने हैं वो इंडोर रखें, जो आउटडोर रखने हैं वो आउटडोर रखने हैं, या प्लांट का पर्पस क्या है, उसके पत्ते सुंदर हैं या उसकी फ्लावरिंग अच्छी होती है, या उसका कलिनरी यूज़ है, या क्या वो एक नासा रिकमेंडेड एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, या वो एक सक्यूलेंट है, एक्वेटिक प्लांट है, यू नो दैट वेज। सो वी हैव ट्राइड टू कैटेगराइज प्लांट्स एंड वी हैव ऑल्सो ट्राइड टू नेम ईच प्लांट। थिंग आई लव अबाउट दिस नर्सरी कि आपने कैटेगराइज किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे पता चलेगा कि ये सेक्शन में अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं एंड देन वो सेक्शन में डेकोरेशन प्लांट्स हैं। देन देयर आर, यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग, लाइक व्हेन यू गो टू नर्सरी यू वॉन्ट टू नो कि हाँ लाइक विच प्लांट वेर आई विल फाइंड, एंड सो दिस इज़ गुड थिंग। Wanted to ask a question. आपने अपने वेबसाइट का नाम अर्बन इकोनुक दे रखा है, why अर्बन इकोनुक एंड हाउ इट इज बीन डिराइव्ड, कैन यू टेल? See, actually, the motivation behind the name Urban Ecolook is twofold. First and foremost, we are all observing that this world is urbanizing rapidly. So, I may love to have a rural ecolook, but that is not where the world is headed. So, if I want to talk about ecology, if I want to talk about sustainability of the ethos of shared living and all that, then I have to talk in the right context. And you know, solutions are needed in an urbanizing world, not a world which is rural. So that is why urban, eco, and nook means corner, a sustainable corner, a green corner in the fast, rapidly urbanizing city. And that's the reason aapne Thane, like ek city ke beech mein apna ye मॉडर्न कम्फर्ट, वी हैव टू हैव द मॉडर्न फैसिलिटीज बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू इट नाउ, सो कैन वी लिव विद दैट एंड गेट द बेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, that is the ethos behind it. And you know, human are good at adapting things, like hum na koi bhi niche mein dhal sakte, bas wo hamare andar se shuruaat hona zaruri hai.
कैन यू टेल मी अबाउट बॉन्सेई एंड व्हाई इट इज सो कॉस्टली लाइक 4,500? मैं इतना आपको जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा एक्चुअली है नहीं. इफ इट हैड नॉट बीन अ बॉन्सेई इट वुड हैव बीन क्वाइट अ टॉल फाइकस ट्री. सो बॉन्सेई का जो आपका क्वेश्चन है व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव, बॉन्सेई बनाना एक बहुत स्किल्ड काम है और इसमें बहुत समय जाता है. लाइक वेरी प्रिसाइसली, वेरी केयरफुली, वेरी स्किलफुली यू नीड टू ट्रिम द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड द शूट इन सच अ वे दैट यू गेट अ स्टंटेड ट्री इन अ पॉट. यू नो अदरवाइज ट्रीज कहाँ कितने बड़े और ह्यूज होते हैं आपको पता है. बट इट इज़ सो कॉस्टली, कैन यू टेल मी अबाउट द बेनिफिट, लाइक व्हाई शुड आई टेक इट? सी इट first and foremost looks gorgeous. The most important aspect that I like about bonsai is ki ye itna you know khoobsurat dikhta hai. Secondly, I like the overall message that the you know whole technique gives. You know hindi mein kahawat hai na gagar mein sagar. Ha, so you are sort of getting a huge potentiality into a small you know, thing. Which is so understandable. अगर आपको इस पेड़ को अच्छी तरह से देखना है तो शायद आप उसका टॉप चढ़ करके ना देख सकते, बट उसका एक छोटा सा हिस्सा देख सकते, आप देख कर हाँ. तो उसका मजा ले सकते. राइट राइट. सो दिस इज व्हाट आई थिंक पर्सनली. But still, it is very costly. I will not purchase. That's okay. You have a smaller version. Maybe that will be. No, but still, that too, it will be costly. Like 4,000, mummy, तो कभी नहीं लेगी. आपके पास कोई सस्ता है मेरे लिए? 50 रुपए में हाजिर है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन. 50 रुपए यार, मतलब मैं तो 50 लेके चले जाओ और गिफ्ट भी दे दूँ, बट 4,000 का ना लूंगी. आपको लगता है कि कोई 4,000 का लेता भी होगा? लेने वाले तो लेंगे, बट स्टिल मैं नहीं लूंगी, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ. तो आप मुझे इंडोर प्लांट्स के बारे में बताओगे? देखो, इंडोर प्लांट्स के बारे में हमारा एक जो मिसकॉन्सेप्शन है, हम उसको समझते हैं कि उसे अंधेरे में भी वो ग्रो कर जाएगा. एक्चुअली ऐसा नहीं है, उनकी लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है. दे आर लो लाइट लविंग प्लांट्स, बट दे आर नॉट नो लाइट लविंग प्लांट्स. ओके, सो कोई भी ग्रीन पौधा है जो यू नो या दूसरे कलर का भी पौधा है, उसके पत्तों में जो पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके लिए लाइट तो चाहिए ही उनको. अब किसको कम चाहिए किसको ज़्यादा चाहिए, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो इंडोर होगा या आउटडोर होगा. सो लार्जली योर इंडोर प्लांट्स रिक्वायर लो लाइट. ओके, मैंने आपके वेबसाइट पे फीचर्स काफ़ी देखे हैं. मुझे यू नो सबसे अलग ये लगा कि लाइक हॉर्टिकल्चर, देर इज़ अ गार्डनर, यू नो विच मीन्स हॉर्टिकल्चर, एंड लाइक यू नो व्हेन आई हैड एन इंटरेक्शन विथ हर, सो शी हैज़ डन मास्टर्स, लाइक डेफिनेटली दे हैव अ ग्रेट नॉलेज इन दिस फील्ड. वेर एज मैं एक नॉर्मल नर्सरी पे जाती हूँ ना, आई डोंट फाइंड लाइक एक लोकलाइट पर्सन होता है, तो लाइक जे जस्ट से कि आपको मतलब मैं जा रही हूँ तो मैं कुछ भी लेके आ जाऊँगी, राइट? मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, बट एक्चुअली दे प्रोवाइड अस गाइडेंस. सो कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर फीचर्स, लाइक व्हाट आर इंक्लूडेड? सो प्लीज़. सो सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो आप यूजुअल नर्सरीज देखते हैं, दे आर रन बाय पीपल हु थिंक दैट प्लांट इज अ मियर प्रोडक्ट, राइट? वेयर एज वी लुक अपॉन इट एज अ लिविंग थिंग विच इज यू नो द जादू की छड़ी टू सेट आवर अर्थ राइट अगेन. So the passion with which we view our product is different from the way a typical business owner would look at the plant in his nursery. So I think that is what sets us apart. And as I said, see, each plant is different, you know. मैं अगर ये बोल दूँ कि हम सारे apes हैं, तो क्या human और gorilla बराबर हो जाएंगे? नहीं नहीं. तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सिंगोनियम जो है वो मनी प्लांट से you know सिमिलर है बट सेम है और उसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाए? दे आर डिफरेंट स्पीशीज. सो वी फील दैट यू नो पीपल हु कम हियर, दे हैव एवरी राइट टू नो वॉट दे आर बाइंग एंड हाउ दे आर गोइंग टू टेक द बेस्ट केयर ऑफ इट. सो दैट इज़ वाई आई इंसिस्टेड कि हमारी नर्सरी में हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स हों. एट द सेम टाइम जो हमारे गार्डनर्स हैं उनको भी हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखते हैं, बिकॉज दे यू नो हैव ग्राउंड नॉलेज, उन्होंने अपने हाथ मिट्टी में गंदे किए हैं, तो वो एक अलग तरह का प्रैक्टिकल इनपुट है. और जो थ्योरेटिकल इनपुट हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट लाते हैं, वी ब्रिंग बोथ ऑन द टेबल. लाइक आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट श्रब्स, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी लाइक यू नो एज आई एम अ ट्रैवलर, सो आई हैव नेवर बीन टू नर्सरी, बट देन आई डिसाइडेड लाइक मुझे काफ़ी फैसिनेट अर्बन इको नुक ने कि यहाँ पर मजबूर करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा है,
और आप, मैंने आपकी वेबसाइट पर देखा कि यहाँ पर मोर देन 500 प्लांट्स, लाइक यू विल फाइंड मोर देन 500, लाइक मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे वैरायटीज दिख रहे हैं मिलने, क्योंकि मैंने आज से अपने लाइफ में देखा ही नहीं इतनी वैरायटी। एक नॉर्मल मेरे घर में भी क्या है, हार्डली लोगों के घर में क्या होता है, तुलसी जो कि बहुत कॉमन है सबके घर में, नीम जी, मतलब आसपास ही देखी जाता है, बट मोर देन 500 प्लांट्स, मैं तो सजेस्ट करूँगी हाईली। देखो ये मुंबई में, आप लोग मुंबई में रहते हो या फिर थाने में रहते हो या फिर नवी मुंबई में रहते हो, तो डेफिनेटली ये प्लेस को ज़रूर विजिट करना, क्योंकि यू नो यहाँ, क्योंकि ना कुछ दिनों में ना यहाँ पर ना ओपन माइक होने वाला है, इट्स लाइक यू नो यू आर गोइंग टू कंडक्ट, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कल्चरल नाइट थीम्स ओवर हियर, या फॉर पोएट्री रिसाइटेशन, सिंगिंग एंड एवरीथिंग, एग्जैक्टली, इट इज नॉट गोइंग टू बी बोरिंग, बट देयर इज दिस फेमस पोएट, लाइक नेचर डजंट नीड ह्यूमन एंड ह्यूमन नीड्स द नेचर, यू नो, अगर हम आज के डेट पे खत्म हो जाते हैं तो नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एग्जैक्टली, लुक इट विल गो ऑन प्रोबेबली इन अ बेटर वे, लाइक आई एम नॉट लाइक जस्ट कोविड में कितनों की डेथ हुई, बट नेचर आज भी हमारे साथ है, दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है, वी शेयर इट विद अ लॉट ऑफ अदर स्पीशीज एंड दे हैव डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट नेसेसिटीज, सो इकोलॉजी पढ़ के ये सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, आपको ये रियलाइजेशन कि एक वायरस तक आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, वो इतना ह्यूज लेसन है लाइफ का, लाइक श्रव का मुझे बता दो ना, आपने ये सब के चक्कर में हम श्रव जी भूल गए, सो व्हाई वी हैव यू नो क्रिएटेड अ सेक्शन, श्रब्स आर बेसिकली वुडी प्लांट्स व्हिच हैव मल्टीपल ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड, सो दैट क्लाइंट्स नो वेयर टू यू नो फिट इट इन देयर, आपने क्लाइंट की बात की, पता है मुझे एक और बात मैंने आपको बताना भूल गई, लाइक यू नो यहाँ पर आपको वन ऑफ द बेस्ट सर्विस जो मैंने अभी तक नहीं बता के रखी थी ये है कि आप लोग कोई भी एक्स वाई जेड प्लेस पे घूमने जाते हो, आपके घर में 10-12 पेड़ हैं, तो यू नो सबके मन में थॉट आता है ना कि पानी कैसे देना है, कहाँ देना है, कौन देगा, तो यूजुअली हम अपने नेबर्स को देख के जाते, बट एक बात बोलो सब इंडियन है, सबके मन में ये थॉट आता है ना कि यार नेबर को चाबी तो दे के जा रहे, बट स्टिल वो रहेगा ना यार, वेरी ह्यूमन मेंटालिटी, वो ह्यूमन मेंटालिटी राइट, मतलब एक मन में ना अपने मन में रहेगा कि यार कोई एक्स वाई जेड पर्सन आने वाला है, पौधे को पानी लेके जाएगा, पता नहीं, हम सबका नेचर नहीं जानते, तो यहाँ पर आपको अगर आप इनके यहाँ से प्लांट ले रहे हो ना, तो यहाँ पर एक बेस्ट सर्विस मिल रही है, दैट यू नो आप बेफिक्र होके घूमने जाओ, बस यहाँ पर अपने पौधे आप रख के जा सकते हो, जस्ट लाइक यू कीप अ डॉग इन अ केनल, हमने उस सर्विस का नाम ही प्लांट केनल सर्विस रखा है, एंड इट इज़ इन रेफरेंस टू द थॉट कि जब आप लंबे समय के लिए जाते हैं तो आपके पौधे को सिर्फ पानी की ही ज़रूरत नहीं होती है, न्यूट्रिशन या अगर किसी पौधे में कुछ कीड़े लग गए तो उस तरह का केयर भी चाहिए होता है, सो वी प्रोवाइड अ कम्प्लीट केयर पैकेज अंडर आर प्लांट केनल सर्विस। अच्छा, लाइक वी हैव डन, लाइक मुझे काफ़ी नॉलेज मिला प्लांट के बारे में, तो मुझे आप पॉट सेक्शन बता सकते हो, क्योंकि मैंने सुना ये भी काफी यूनिक है, हाँ, like, वहाँ भी डाइवर्सिटी, हाँ, डाइवर्सिटी रखती है, सो लेट्स गो टू दैट पार्ट, श्योर। सो वी आर इनटू पॉट सेक्शन, और मुझे ये पॉट काफी यूनिक लगा, आप मुझे ये पॉट के बारे में बताओगे कि कैसे बना है ये पॉट, यू नो लाइक आप इसे देख सकते हो, ध्यान से देखो, ये पूरा है ना नारियल से बना है ना, कोकोनट, तो आप मतलब ये मैंने कहीं देखा नहीं है, तो आपने ये पहली बार, मतलब आप पहली बार, नहीं नॉट एट ऑल, आई कैन नॉट क्लेम कि ये बहुत यूनिक है, ये थोड़ा अनकॉमन है, लोग रखते नहीं है, क्योंकि एज आई सेड मैक्सिमम नर्सरीज जो है वो केवल प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे ऑपरेट करती है, वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑल्सो, तो ये जो पॉट है ना, ये जो हमारे सप्लायर है वो रत्नागिरी के एरिया में है, दे आर फार्मर्स देयर, और ये वहाँ से बना के हमको ये भेजते हैं, प्लास्टिक की भी सर्विस है, अगर आप प्लास्टिक का पॉट भी ले रहे हो, आपने मुझे बताया था ना कि प्लास्टिक का पॉट यहाँ पर, आप बता सकते हो, एक्चुअली क्या है, क्लाइंट्स हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा स्कूल भी नहीं कर सकते, लाइक यू कैन नॉट टेल देम कि हम यहाँ पे प्लास्टिक के पॉट नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इट्स आर बेस्ट सेलिंग आइटम, आई कांट हेल्प इट विद दैट, सो वॉट इज द सेकेंड बेस्ट थिंग वी डू, वी ऑफर दिस सर्विस टू आर क्लाइंट कि अगर प्लास्टिक उनका कभी भी क्रैक होता है पॉट या वो फिक रहा है, तो व्हेनेवर दे आर कमिंग दे कैन कम एंड गिव इट टू अस and we get it recycled, we send it to the manufacturer aur wo usko recycle kar dete hain, so that you know it is responsible plastic exchange, so it's like if you are buying the plastic from your, तो एक आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट करोगे, आप प्लास्टिक को यूज कर ही रहे हो, नो डाउट हम प्लास्टिक को अपनी लाइफ से बिल्कुल तो हटा नहीं सकते ना, वो बहुत कॉमन हो गया है,
तो धीरे धीरे घटा सकते हैं, घटा सकते हैं, बट और एक दिन में भी तो चेंजेस आ जाएंगे, नहीं होगा. तो वी हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस इंसटेड ऑफ बीटिंग यू नो अबाउट द प्रॉब्लम. और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती थी, लाइक ध्यान से देखना इसे, ये ना रिसाइकल से. और जो या जो आप घर में पोछा लगाते हो ना, ये सेम वही है. आपने इसको कैसे किया बता सकते हो? दिस इज़ अ वेरी यू नो इजी टू डू थिंग. आपको ऑनलाइन भी देखो कि बहुत सारे वीडियोस हैं. दिस इज अगेन नॉट समथिंग विच इज़ ओरिजिनली डन बाय अस. आप सिंपली जो आपका रैग होता है जिसका कोई और यूज़ नहीं है और अब वो फिक जाएगा और यू नो आपके डस्टबिन में जाएगा, तो वहाँ से आप उसको रोक लेते हो फिकने से. उसको आप सीमेंट के घोल में डिप करते हैं और कोई भी आपके जो पसंद का मोल्ड है, चाहे वो एक पुराना बकेट हो या एक पुराना पॉट हो, उसके ऊपर आप इस कपड़े को स्टिफेंड विथ यू नो लिक्विड सीमेंट आप इसे मोल्ड कर देते हो, शेप दे सकते हो. सबसे पहली बात कि एक्वेटिक ज़्यादातर जो प्लांट हमारे होते हैं उनको लाइट चाहिए होती है. सो हमने सिर्फ एक थोड़ा सा एडिशनल थिंकिंग किया यहाँ पर कि एक्वेरियम जो रखते हैं लोग, उनको एक्वेरियम के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स चाहिए होते हैं. सो देर इज़ अ यू नो डिमांड फॉर एक्वेटिक प्लांट्स, बट अधिकतर नर्सरीज जो हैं वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं शायद से, विच इज़ वाई एक्वेटिक प्लांट्स ईजिली आपको लोकल नर्सरीज में नहीं मिलेंगी. इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड एन एक्वेटिक प्लांट सेक्शन. सो दीज आर ऑल प्लांट्स विच कैन बी केप्ट इन द एक्वेरियम. आप मुझे बाम्बू प्लांट इसके बारे में बता सकते हैं, हाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस? या बिकॉज सी वी आर टॉकिंग अबाउट इको फ्रेंडली प्लांटर्स, सो बैम्बू बिकम्स अ गुड ऑप्शन एज फार एज इको फ्रेंडली प्लांटर्स आर कंसर्न. क्योंकि दो बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है. एक तो बैम्बू बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो वो हार्वेस्ट करके लाइवलीहुड का कारण बनता है बहुत सारे यू नो ट्राइबल पीपल या लोकल रूरल लोगों का. सो दिस हैज़ बीन मेड बाई यू नो द ट्रेडिशनल पीपल इन असम एंड दैट इज़ वेयर वी हैव गॉट इट फ्रॉम. अच्छा, हम इसे यूज़ कहाँ करेंगे? ये आप अपने घरों में कॉर्नर्स में रख सकते हो. लाइक इसके अंदर छोटे वाले पौधे जो सक्यूलेंट्स होते हैं आप वो डाल सकते हैं. इट्स लाइक काइंड ऑफ डेकोरेटिव थिंग. इट्स अ डेकोरेटिव थिंग, यस. इट्स रियली नाइस. एंड टू ऑनेस्ट ना, लाइक मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, तो आई गेस मेरे ऑडियंस को भी बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा. बट यू नो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती थी, लाइक लोगों का मन होता है ना कि आपने पहली बार तो PhD किया है इकोलॉजिक में, राइट? तो यूजुअली होता है ना कि बिजनेस अगर स्टार्ट करना होता है लोगों को, तो दे चूज कैफे और यू नो दी वॉट एवर एक्स वाई जेड थिंग, बट वाई नर्सरी? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. यू नो सी व्हाट आई फील इज दैट वेरी सून वी आर गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल पीपल हु अंडरस्टैंड बॉटनी, हु अंडरस्टैंड जूलॉजी, हु अंडरस्टैंड इकोलॉजी, बिकॉज द अर्थ इज इन अ बैड शेप. वी कैनॉट हाइड दिस फैक्ट एनी मोर. And solution providers will be people who understand all this. So green businesses are the future, and nursery is a very, very, very good example of green business. You know, we are taking care of our planet. We are ensuring that you know we are using unskilled labor, or training unskilled people, or trying to work with you know rural people so that unki livelihood support ho. So people. Planet and of course I am making money because my family to is pe run kar rahi hai. Right. So people, planet, profit, jo hum bolte the 3 P's, it's a very good way of taking care of all of them. That's really nice. And one more thing, like before ending this vlog, like aapne itni sari jankari to mere audience ko de hi di hai, like my YouTube family is like now 1K subscribe more than that. Nice. So you know like what they are going to get, like agar unko aapke website se plant lena raha, तो आप उनके लिए कुछ ऑफर या डिस्काउंट? Why not? You're most welcome to the nursery. I would love it if you visit. You will definitely get 20% off if you can say that you've come after seeing this video. And otherwise, if you're ordering from a website, you can always ping us. We'll tell you the code to use to avail that off on website orders also. That's really nice. Like, so guys, if you're planning to buy a plant, so definitely I would highly recommend go to the website Urban Nook. मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और मैं एड्रेस भी डाल दूंगी.
एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप यहाँ से लो, क्योंकि यू नो नॉर्मली आई वुड रियली वेलकम पीपल टू कम हियर सो दैट यू नो दे गेट द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो द प्लांट्स और द पॉट्स दैट दे आर हियर टू बाय. एग्जैक्टली, लाइक वन टाइम विजिट, इट इज वर्थ विजिटिंग. आई थिंक पीपल विल एंजॉय. या सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर गाइडिंग मी. नो, थैंक यू फॉर कमिंग हियर. थैंक यू.